हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा था 9th क्लास का। उसके आगे अब हम पढ़ते हैं भरतपुर में जन आंदोलन। तो अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, क्योंकि लास्ट में हम इसके अभ्यास प्रश्न भी करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप उनके आंसर जो है वो दे पाओगे। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम जो है प्रमुख है। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया। ये उत्तरदायी सरकार बनाने के भी पक्षधर थे। उनके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया। बालक बिजेंद्र सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया और शासन चलाने के लिए एक प्रशासक जो है नियुक्त कर दिया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो यहाँ भरतपुर में जन आंदोलन जो है यहाँ पर लाने वाले, प्रारंभ करने वाले कौन थे? जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। तो इनका दोनों का नाम जो है वो आप याद रखें, किससे संबंधित है? भरतपुर में जन आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भरतपुर के तत्कालीन राजा कौन थे? महाराजा किशन सिंह। तो ये एक कैसे व्यक्ति थे? प्रगतिशील व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया था और इसके अलावा गांवों और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को भी विकसित किया। तो ये जो है चाहते थे कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है यहाँ भरतपुर में हो सके। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया, इनको जो है इनकी गद्दी से हटा दिया और यहाँ पर विजेंद्र सिंह को जो है गद्दी पर बैठा दिया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष जो है गोपीलाल यादव बने। कोषा अध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध जो है सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता जो है जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1940 को पहला जो सम्मेलन है वो जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में यहाँ पर आयोजित होता है। इसमें उत्तरदायी शासन की जो है वो मांग दोबारा से प्रस्तुत की गई और सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जन प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए गए और इसमें 50 सदस्य थे जिसमें 37 निर्वाचित थे। प्रजा परिषद ने इसमें से 27 पद जो है वो जीत लिए और युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया। मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता बनाया गया, लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही पता चल गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें आपकी जो है इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो क्या है, ये है कि 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और 1940 में परिषद का पहला जो सम्मेलन है 30 दिसंबर को जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रजा परिषद का जो दूसरा अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ? ये बयाना में हुआ, 1945 में। और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। बयाना भी कहाँ है? भरतपुर में ही है। तो प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार किया। 14 जनवरी 1947 को वायसराय वैविल और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जो है वो भरतपुर आते हैं। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना जो है आक्रोश आक्रोश जो है वो प्रदर्शित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए गए, अलवर के, मेव और जाटों। तो यहाँ पर जो है वो दंगे भड़क उठे। इन इनमें 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को जो है मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। तो इस तरीके से भरतपुर राज्य जो है बहुत ही मुश्किलों के बाद जो है यहाँ पर मत्स्य संघ में विलीन हो जाता है 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट देखिए, धौलपुर में जन आंदोलन। तो धौलपुर में जन चेतना का कार्य जो है स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1936 में पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की।
तो 1936 में जो है पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसके बाद 1938 और 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। 12 नवंबर 1946 को तासीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए। 1947 के बाद धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा। अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासन अधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया और बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। करौली में जन आंदोलन। करौली में प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में हुई। इसके प्रमुख जो नेता हैं त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह आदि थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की। प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, जनता भी होनी चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कुछ समय बाद करौली का जो मत्स्य संघ में विलीनीकरण हो गया। नेक्स्ट देखें अन्य राज्यों में जन आंदोलन। राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां पर राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में हुआ। उनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ थे। तो झालावाड़ ऐसा राज्य था जहाँ के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे। उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिसमें जनचेतना में वृद्धि हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकराचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भीखा भाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, ठीक है, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या और बांसवाड़ा में कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने में अथक प्रयास किए और प्रजामंडल की स्थापना जो है वह की। तो बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक और सिरोही में गोकुल भाई भट्ट, तो यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वासों को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसके प्रयासों से, भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का वृहद राजस्थान में विलय हो गया। तो यहाँ पर चैप्टर जो है वो पूरा होने वाला है। प्रजामंडलों का मूल्यांकन देखिए कि यहाँ पर प्रजामंडल का जो है मुख्य यहाँ कार्य क्या रहा। तो राजस्थान में प्रजामंडल या लोक परिषद का जन जागृति करने में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न की। प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि इतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रयास जो है कम नहीं हुए। कई बार उनको जेल भी डाला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है प्रजामंडल की स्थापना की। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडल को गैर कानूनी बताया, नेताओं को जेल में डाल दिया गया, इससे जनता में और जागृति पैदा हो गई। 1921 में राजाओं नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया और इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडलों व लोक परिषद की स्थापना होने दी। प्रजामंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी अपनाया और आंदोलन में भी भाग लिया। इसमें 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो इससे सारा देश जो है एकता के सूत्र में बंध गया और राजा जो थे, जो रियासतों के राजा, उनको भी आभास होने लगा कि लोग जो हैं अब सजग हो चुके हैं। हमें जो है, हमने जो यहाँ पर शासन किया है अपनी मर्जी से, अब वो नहीं चलेगा, लोकतंत्र का युग आ रहा है और राजतंत्र और निरंकुशता के दिन जो है वो चले गए। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्यों का भारत संघ में विलीनीकरण स्वीकार किया। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, यदि पूछा जाए कि राजस्थान का जो एकीकरण होता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका है, तो सरदार पटेल का है। ठीक है, तो भारत संघ में विलीनीकरण जो है स्वीकार कर लिया
और प्रजामंडलों ने सामाजिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस महान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसको जाता है? प्रजामंडलों को जाता है। ठीक है, कोशिश इन्होंने बहुत की थी, मेहनत जो है इन्होंने बहुत की थी। तो चलिए, यहाँ चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब जो है इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे और आप लोग जो है फटाफट से माइंड में इनके आंसर सोचेंगे, जिससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से आपने चैप्टर पढ़ा है और कई बातें जो कि मैंने यहाँ चैप्टर में रिपीट की हैं वो भी आपको कितना याद रही। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिनके आंसर जो है वो आप फटाफट देंगे। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान से किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सोचिए इसका जो है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास शारदा, ये जो है राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर जो है वह जाते हैं, इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार मैंने आपको बता दी कि विजय सिंह पथिक जो हैं इसके संस्थापक हैं राजस्थान सेवा संघ के, और कब की स्थापना? 1919 ईस्वी में। कहाँ पर? वर्धा में। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना जो है वो कब होती है? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है और उसके बाद 1920 में एक वर्ष बाद जो है वो अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, फोर्थ देखिए, किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो अभी अभी बिल्कुल हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो भोगीलाल पांड्या जिन्होंने भीलों को जो है जागृत किया, ठीक है, चमारों को और भी अन्य पिछड़ी जातियां थी उनको जो है उनके मन में जो है जन जागृति जो है लाने का प्रयास किया और उन्हें शिक्षा के बारे में बताया। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना में जो नाम आता है भोगीलाल पांड्या का, 1945 ईस्वी में की। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन जो है वो कहाँ से आरंभ हुआ? तो कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये अजमेर से आरंभ हुआ था राजस्थान टाइम्स। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1885 में इसका प्रकाशन जो है वह होता है। उसके बाद इनके क्वेश्चन भी आप सोचिएगा, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए? ठीक है, राजस्थान सेवा संघ का क्या उद्देश्य था? बहुत अच्छे से हम बार बार इन चीजों को पढ़ चुके हैं। और राजस्थान की जनजागृति में महात्मा गांधी का जो है आंदोलन जो है, जो कि असहयोग आंदोलन और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, इसका क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न जो है इनको सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करने से चैप्टर जो है वो आपका पूरा कवर भी होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में प्रजामंडल की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, राजस्थान में जन जागृति में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है उनको तो आप बिल्कुल सॉल्व ही करा करिए हर चैप्टर के। ठीक है, वैसे मैं सभी चैप्टर के करवाती हूँ, ऐसा कोई भी चैप्टर मैंने नहीं छोड़ा है। तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलेंगे हम, इसके बाद दो चैप्टर आपके रहते हैं और 9th क्लास जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा बुक है वो आपकी पूरी हो जाएगी, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।